पहले मतला सुनाओ सुन। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरा इश्क बस यही है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरा
भाई सुनना, गिरा सुनना, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। कैसे मेरे माथे पे सजदों के निशा को देख ले रिजवान, मेरे माथे पे सजदों के निशा को देख ले रिजवान, मैं अपने जन्नती होने की ये पहचान लाया हो, क्या फरमाते हैं
अब के हम तैबा नगर जाएंगे इंशाल्लाह, संगे दर चूम के मर जाएंगे इंशाल्लाह, जो उन्हें देख के फिर किसी को ना देखे सैयद, जो उन्हें देख के बालों पर का सहारा गेना तो मालो जर का, उनके कूचे में मगर जाएंगे इंशाल्लाह। और मकते में क्या कहते हैं, जो उन्हें देख के फिर किसी को ना देखे सैयद, जो उन्हें देख के फिर किसी को ना देखे सैयद, मांग कर ऐसी नजर, मांग कर ऐसी नजर लाएंगे इंशाल्लाह। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, 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 मैं टुकड़ा ही ना या तो धन मिले ना मिले, मेरे जनाजे पे काश उनकी कमली हो, 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 और क्या मुझे हाजत कफन मिले ना मिले, कब्र में दफनाने के बाद मुनकर नकीर की आमद होती है और तीन सवाल होते हैं, मन रब्बों का, मदीनों का, फी हाजर रुजूल। सरकार आखिरी सवाल पे दारो मदार है, अगर वहां पहचान लिया, यहां अगर है तो पहचानेगा, और यहीं पे सरकार से मोहब्बत नहीं करेगा तो वहां नहीं पहचानेगा, वो अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ नहीं सकता, और कभी मंजिले मकसूद वो अपनी पा नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा की जात से इनकार है जिसको, मेरा दावा है जन्नत में वो हरगिज जा नहीं सकता। जब लोग कब्र में मुझे दफना के जाएंगे, जब लोग कब्र में मुझे दफना के जाएंगे, जब लोग कब्र में मुझे दफना के जाएंगे, लोग जो मुझे दफना के जाएंगे, लोग कब्र में मुझे दफना के जाएंगे, आखिर फरिश्ते कब्र में मुझको उठाएंगे, आखिर फरिश्ते कब्र में मुझको उठाएंगे, सूरत रसूल पाक की मुझको दिखाएंगे, सूरत रसूल पाक की मुझको दिखाएंगे, सूरत रसूल पाक की मुझको दिखाएंगे, सूरत रसूल पाक की मुझको दिखाएंगे।
और जानवर भी को ये मालूम है कि हम सब सरकार के गुलाम हैं, मगर यही नहीं समझ रहा, इसके अकलों पे पत्थर पड़े हैं सरबसर। मियां वसीले के बिना कोई दुआ पूरी नहीं होती, वसीले के बिना कोई दुआ पूरी नहीं होती। मियां इन अकल के अंधों को आखिर कौन समझाए, इबादत ला कर लो फायदा कुछ भी नहीं होगा, वो सजदा ही नहीं जिसमें नबी का नाम ना आए। रहता था कारे सूर में एक मोजी जानवर, 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 चेहरा नबी का ढूंढती थी उसकी ये नजर, सारी दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाता। कौन सा? एक तो ये कि सरकार ने तलवार नहीं उठाई, अगर तलवार उठा लेते तो अल्लाह के रसूल के सामने किसकी मजाल थी कि कोई आ सकता था। अरे वो दोनों जहां के मालिक को मुख्तार है मियां, उनके सदके में कायनात बनाया अल्लाह ताला ने, तो उनके सामने कौन आ सकता था, कोई कौन माइकल आ सकता था। मगर सरकार ने कहा कि मैं जिस्मों पे वार करने नहीं आया, मैं दिलों पे वार करने के लिए आया हूं। सरकार ने लोगों के दिलों को फेर दिया, अखलाक से सारी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला कर दिया। और दूसरी बात कि सरकार ने अजान नहीं दी। मियां अजान दे देते तो किसकी मजाल थी कि कोई भी घर में रह जाता, सब अपने घरों को छोड़कर मस्जिद में आ जाते। ये दो काम नहीं किया सरकार ने, मगर अखलाक देखिए सरकार का। कचरा जो डालती थी, कचरा जो डालती थी रसूल करीम पर, तवज्जो तवज्जो इधर कर दीजिए आपकी, कचरा जो डालती थी रसूल करीम पर, आया
मजनू ने कोई मिसरे लैला हो नहीं सकता, मजनू ने कोई मिसरे लैला हो नहीं सकता, आह फरहाद ने शीरी से अच्छा हो नहीं सकता, मेरे नबी।
पारे देखे, खोल कर जब कभी कुरान के पारे देखे, खोल कर जब कभी कुरान के पारे देखे, खोल कर जब कभी कुरान के पारे देखे, कभी कुरान के पारे देखे, अपने घर बैठे मोहम्मद के नजारे देखे, मेरे साथ।
हर सिमत चांदनी में चीज मोहतेबर हो गई। मेरे को तो समझ में नहीं आता वो लोग माशाल्लाह जो अपने जैसा बशर कहते हैं, एक खूबी भी उनमें बता दो मेरे को तो मैं मान जाऊंगा। मियां सरकार जिस चीज को हाथ लगा देना वो अनमोल हो जाती थी, अनमोल हो जाती थी नहीं बल्कि है। सरकार ने जिस झुब्बे को पहने वो झुब्बा मोहतेबर हो गया। अवेश करनी को दिए पूरी जिंदगी लेकर अपने सर पे लेकर घूमते रहे वही झुब्बा आज भी हबीब अजमेरी बोल रहा है आपको अगर देखना है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में खुल्दाबाद है जहां पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार है वहां पर सामने में सरकार का झुब्बे मुबारक है। 12 रबीउल अव्वल के रोज उस झुब्बे का दीदार होता है, दीदार है वो झुब्बे का दीदार कराया जाता है। कसम खुदा की सच जानिए कई सौ साल हो गए मगर जैसा का वैसा ही झुब्बा है वो आज भी, ना उसका कलर गया ना दीमक का ही उसको। मियां सरकार जिसे चाले ना जिसको पहन लेना वो चीज भी मोहतेबर हो जाती है खुदा की कसम। खाके तैबा महो खुर्शीद से बेहतर चमके अर्शी आजम की तरह रोज़े अतहर चमके। आपका नामे मुबारक है वो नामे नामी लिख दे पत्थर पे तो पत्थर का मुकद्दर चमके। सुभान अल्लाह।
शीशे के उस मकान से पत्थर भी कांपते हैं, शीशे के उस मकान से पत्थर भी कांपते हैं, शीशे के उस मकान से नामे नबी की तख्ती जिस पर लगी हुई है था मैं, मगर शेर ऐसे ऐसे आ रहे हैं और सच जानिए बिल्कुल नई नादे बाग पढ़ रहा हूं, हालांकि बहुत पुरानी नाद है ये, मेरे उस दौर की है जब मैं नाद खाता जब पढ़ता था ये नाद। और अभी कुछ ही रोज हुए, 10 रोज मैंने ये किताब देखा खोलकर, तो मेरे को ये नाद नजर आई तो मैंने पढ़ना शुरू किया। शेर सुनना था मैंने, रबी अव्वल में 12 रबी अव्वल में नातों का मुकाबला होता था, तो दावत इस्लामी में भी था मैं, मौलाना फखरुद्दीन, तो मैंने वहां से ये इस नात पे फर्स्ट प्राइज जीता था। वो ना मुझे वो कबूल कर ले, मुझे वो कबूल कर ले है करम अजीम उनका, ये रसूल हाशमी ने क्या कमी है, मेरे दिल को क्या कमी।
तेरा डर रहे सलामत गिरा याद आ गया हुजूर सुनना सुन के जाना हुजूर सुन के जाना गिरा 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 सुन गिरा हो जाएगा ताबिंदा मेरे घर का मुकद्दर सरकार मेरे घर की तरफ देख रहे मुकद्दर की तरफ
अल्लाह अल्लाह मेरा देश।